आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक कुंदरकी के गांव मैनाठेर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 20 किलोमीटर तो ब्लॉक से 10 किलोमीटर है। 3600 वोट वाले इस गांव की कमान मोहम्मद राशिद ने अपने हाथों में संभाल रखी है। ग्राम प्रधान मोहम्मद राशिद और सचिव सुरेंद्र सिंह के द्वारा स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। लॉकडाउन के चलते ग्राम प्रधान ने ग्रामवासियों की भी काफी मदद की है। इनके विकास कार्यों को देखकर ग्रामवासियों में खुशी की लहर है। 4 वर्षों में इन्होंने किस तरह से गांव को सजाया है और क्या समस्याएं भी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक कुंदरकी के मैनाठेर ग्राम पंचायत में। यहां प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य हुए हैं, किस तरह से गरीबों की यहां मदद की गई है प्रधान द्वारा, इस सब की जानकारी हम यहां प्रधान जी से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं प्रधान जी से। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है प्रधान जी। जी, जैसा कि 4 साल आपके इस पंचवर्षीय को पूरे बीत चुके हैं, जी, तो क्या क्या विकास कार्य अपने गांव में अब तक करवाए हैं? मैंने बहुत काम कराए हैं। 18 रास्ते कराए हैं, लैटरिन शौचालय बनवाए हैं 600 और लैटे वगैरह लगवाई 30-32 और क्या नाम बोलते हैं इसको, आवास वगैरह मिले हैं? आवास भी मिले हैं, करीब 30-35 आवास मिले हैं। जैसे कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन या किसानों को ये भी सम्मान निधि मीटर वगैरह, फ्री वाले मीटर, तो बहुत लगवाए। ये गांव में मतलब सभी को मिला है इसका लाभ? जी जी, सबको मिला है। फ्री कनेक्शन हुए हैं, मीटर फ्री लगे हैं सभी लोगों के पास और राशन कार्ड भी काफी बनवाए हैं लोगों के। पेंशन वगैरह, पेंशन भी बनी है। 60 साल भी कागज बनवाए हैं, इस टाइम सभी काम कराए हैं। और मदद में ये है कि ये जो लॉकडाउन चला है, लॉकडाउन में अपने पास से 45-50 क्विंटल अनाज बांटा है, दाल है, तेल, लोगों गरीबों के खाने में राशन वितरण करके आपने मदद की। चावल, साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? साफ सफाई भी अपने पास से ज्यादा कराई है। और जैसा कि काफी बड़ी पंचायत है ये, जनसंख्या काफी अच्छी है तादाद में, तो सफाई कर्मचारी कितने हैं यहाँ पर? सफाई तरह से हो पाती है? सफाई कर्मचारी यहाँ पर 6 महीने से नहीं है, नहीं आया, नहीं नहीं वो लड़का है ही नहीं यहाँ पे कोई, कई दफा गया ब्लॉक में जी, तो वो आ नहीं पाया है, पता नहीं तो क्या दिक्कत। मतलब आपने इसके लिए ब्लॉक में जब शिकायत की है किसी के सामने, तो क्या जवाब मिलता? कह रहे भाई करा देंगे, जल्दी कराएंगे प्रधान जी आपके यहाँ, अभी तो फिलहाल ऐसी करा दो आप। तो 6 महीने से सफाई का काम कैसे चल रहा है? मैंने अपने पास से कराया। आप अपने पास से यहाँ से सफाई, मतलब किसी को भी रख करके? हाँ, मैं लड़कों को जी जी उनसे करा लेता हूँ, कोई 10,000 कभी 15,000 देके सब काम सफा करा। मिशन कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल में क्या क्या काम हुए हैं? स्कूल में भी टहल का काम हुआ है पूरा, और शौचालय में मुतियाले लड़कियों के लड़कों के पेशाब करने के लिए और हाथ धोने के वाइब्रेशन, टंकी वगैरह, समर सेविल और टैंक सारे कुछ रखे हैं। तीनों स्कूल, तीन कॉलेज है हमारे, तीनों में। जैसे कि ये कोरोना महामारी के चलते लोग जी, जिन्हें भी लोग ग्राम पंचायत में यहाँ बाहर से जो मजदूर आए हैं, जो हमारे यहाँ से बाहर से मजदूर आए थे, उनको हमने डॉक्टर साहब को, लेखपाल को, सबको इतना दे के उनको अस्पताल बुला के उनकी जाँच करा दी। कोई यहाँ पॉजिटिव केस नहीं? नहीं, कोई नहीं अभी तक, तो कोई है नहीं, सब सही। सरकारी बिल्डिंग में जैसे स्कूल के अलावा यहाँ बारात घर, पंचायत घर ये बने हुए हैं? पंचायत घर है हमारे यहाँ, वो हमारी मिलक लगती है मजरे की, उसमें बारात घर नहीं। बारात घर कोई नहीं है। शमशान घाट, कब्रिस्तान? शमशान घाट भी है, कब्रिस्तान भी है। कब्रिस्तान की तो बाउंड्री पहले से विधायक के थ्रू हुई, शमशान घाट की कोई वो नहीं है, आड़ पाड़ का किसी, मतलब अभी बना हुआ कुछ नहीं है, ऐसी ही था। यहाँ खेल का मैदान है? नहीं, खेल का मैदान। अस्पताल? अस्पताल है, जो अस्पताल यहाँ पर है उसमें दवाई, डॉक्टर वगैरह सब मिलते हैं? डॉक्टर वगैरह, दवाई भी बैठते थे, मगर अभी लॉकडाउन में अभी नहीं मिले डॉक्टर, इधर आते नहीं है अभी। अभी नहीं आते हैं या पहले से? पहले ही पहले से आते थे डॉक्टर, सारे लोग बैठते थे यहाँ, पर अब कहा जब से लॉकडाउन हुआ मैंने देखे नहीं है डॉक्टर। मतलब अब जैसे कि ये कोरोना महामारी चल रही है, इसमें तो जबकि कोई भी अस्पताल खाली नहीं है, सरकारी अस्पताल, तो एम्बुलेंस की सुविधा? एम्बुलेंस वगैरह खड़ी रहती है वहाँ, अगर कोई ये एम्बुलेंस की सुविधा मिल जाती है यहाँ समय पर जरूरत पड़े मरीजों को? हाँ, ये सब। तो यहाँ से अब दवाई लेने के लिए अस्पताल कितनी दूरी पर है, जहाँ आपको डॉक्टर दवाइयाँ सब आसानी से मुहैया हो जाती हैं? जी, सामने ही अस्पताल है गांव में बराबर से, जैसा कि आपने बताया इसमें डॉक्टर करीब 400 मीटर होगा यहाँ से गांव से जी, 400। अब अपने गांव को और सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? यही है कि लोगों का इस टाइम लॉकडाउन में ख्याल करा जा, ध्यान रखा जा, और हम अपने पास से भी रख रहे हैं और वैसे भी देख रहे हैं जी।
और यही है, और क्या लोग रोड में कोई समस्या ऐसी गांव में सामने आती है जिसके लिए आप चाहेंगे कि अगर सरकार की तरफ से मदद मिले, धनराशि की हो या किसी भी तरह की कार्रवाई की हो, शासनिक हो या प्रशासनिक हो, तो कोई ऐसी समस्या यहाँ है गांव में जिसमें आप चाहेंगे सरकार मदद करे? जी है जी, कुछ घर ऐसे हैं कि जो ज़्यादा ही हालत ख़राब है, परेशान है वो लोग, उनको कभी 200-400 रुपये की ज़रूरत 500 की पड़ती है, हम जाके दियाते हैं और आगे के लिए ये चाह रहे थे कि उनकी और मदद हो जाए सरकार की तरफ से। कितने परिवार यहाँ ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की ज़रूरत है? कितने परिवार होंगे सर? रास्ते यहाँ सारे पक्के हो चुके हैं या अभी भी कुछ रास्ते कच्चे बाकी हैं? कुछ रास्ते हैं, 2-4 रास्ते ऐसे हैं जो पढ़ने के ही हैं, डलने के, और बकाया तो हो गए। अपने ग्रामवासियों को और कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि अभी लॉकडाउन जारी भी है, खुल भी गया है, अनलॉक वन है, लेकिन फिर भी लॉकडाउन जारी है और कोरोना महामारी दिन ब दिन बढ़ने पर है। जी जी, तो इसको लेकर के अपने ग्रामवासियों से कुछ? मेरी एक अपील थी कि ग्रामवासियों से है कि वो सभी लोग अपने मुँह पे मास्क लगा कर रहे, निरी बेपरवाही से खेत में भी जाओ, कहीं भी जाओ, और काम मास्क लगा कर लापरवाही नहीं बरते हैं। ये मैं मस्जिदों में ऐलान भी कराने की सोच रही हूँ, और इस बात को काफ़ी लोगों से कह भी चुका हूँ कि अब बिना मास्क के कोई भी किधर जाओ, घर भी रह रहे हो तो अपना मास्क लगा कर टहलो, क्या कोई बात करो तो मास्क लगा कर। ये मेरा उनसे अपील है, अगर वो लोग मानते हैं तो अच्छी बात। जैसा कि आपने देखा, ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफ़ी विकास इन बीते 4 सालों में यहाँ इनके द्वारा करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, आवास भी यहाँ लोगों को मिले हैं। लगभग 600 शौचालय से ये गांव पूरी तरह से ODF हो चुका है। स्कूल में मिशन कायाकल्प के अंतर्गत सौंदर्य का काफ़ी काम हुआ है, और लॉकडाउन के चलते भी यहाँ गरीबों की काफ़ी हद तक राशन वितरण से भी प्रधान द्वारा मदद की गई है। इसके अलावा अगर समस्याओं की तरफ नज़र करें तो कुछ समस्याएं अभी भी यहाँ बाकी है, जैसे कि बारात घर यहाँ पर निर्मित नहीं है, शमशान घाट जो कि अभी बना हुआ नहीं है, इसके अलावा अस्पताल एक जो यहाँ पर है जिसमें जब से लॉकडाउन हुआ है तब से कोई डॉक्टर या दवाई यहाँ लोगों को मुहैया नहीं हो पा रही है, जबकि इस समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरत अस्पतालों के एक्टिव होने की है। मैं अशोक के साथ मिला रही हूँ। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम कुलदीप चौधरी है, मैं ग्राम पंचायत मैनाठेर में ग्राम रोजगार सेवक के पद पर तैनात हूँ। यहाँ 4.5 साल हो गए हैं, किस तरह से आपने ग्राम प्रधान ने यहाँ पे कार्य कराए हैं? ग्राम प्रधान ने लोगों की सहमति के अनुसार जो व्यक्ति जहाँ पर जिस काम की ज़्यादा आवश्यकता थी उस काम को प्राथमिकता देकर प्राथमिकता के तौर पर उन सभी कार्यों को पूर्ण कराया है, और मनरेगा के द्वारा भी यहाँ काफ़ी कार्य हुए हैं, लोगों को रोजगार दिया गया है, लॉकडाउन के अंतर्गत लोगों से मनरेगा कार्य लिया गया है जी। और जो प्रवासी मजदूर ग्राम पंचायत में आए हैं उन सभी को यहाँ पर प्राथमिकता के तौर पर मनरेगा में कार्य दिया गया है।